नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। जब से कोरोना वायरस ने मानव के जीवन में दस्तक दी है, तब से मानव जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, मनुष्य की दैनिक चर्या भी कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुई है, तो वही आस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ एकत्रित होने पर मनाही है, साथ ही जलसा जुलूस आदि कार्यक्रमों पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने त्योहार अपने घरों पर ही मनाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर आज कस्बा बबीना के थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन एसडीएम राजकुमार व क्षेत्राधिकारी सदर हिमांशु गौरव के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न की गई, जिसमें दोनों ही अधिकारियों ने बैठक में उपस्थित हिंदू मुस्लिम समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, पत्रकारों, व्यापारियों आदि को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगाई गई है। इसलिए आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी पर न तो प्रतिमाओं के पंडाल सजाए जाएंगे और न ही मुहर्रम पर्व पर मातम का जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में हुआ था, इसलिए आज बबीना थाने को भी भव्यता प्रदान की गई थी तथा संपूर्ण कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लॉकडाउन होता है कोई नहीं, और इतनी वहाँ जबरदस्त चेकिंग भी होती है कि वो आदमी बार 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 आदमी अंदर घुसते ही नहीं। तो मेरा तो आप लोगों से यही है कि आप अपने जो भी त्यौहार हैं अपने साथ पूर्वक अपने घर पर बनाइए, बाहर मतलब जो है निकलने की जरूरत नहीं है।